हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग अर्सनार पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है लेजर रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमारे पास सेम नाम से कई बार कस्टमर आ जाते हैं और कई बार हमें पता चलता है भी हमने एक ही कस्टमर के दो लेज़र हमने टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर लिए हैं। कुछ हद तक ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट लेज़र में क्रिएट कर लेते हैं, कुछ हद तक ट्रांजैक्शन हम जो हमने डुप्लीकेट लेज़र बना दिया था उस लेज़र में हम कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है भी यार ये दोनों लेज़र एक ही है। तब हम बारी बारी से एक दूसरे की ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जिसमें हमारा काफ़ी हद तक टाइम है जो वेस्टेज भी हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल सिंगल क्लिक के साथ, यानी कि एक क्लिक के साथ जो भी हमारी लेजर की ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, पेमेंट की हो, किसी भी टाइप की हो, यानी कि पूरा का पूरा डाटा हमारा दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र हो जाता है जिस लेजर में हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये किस तरीके से होता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नया फीचर्स है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है ये, और ये हर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, चाहे वो नया फ्रेशर अकाउंटेंट है, चाहे वो किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करता हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने दो लेज़र क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले हम उन दोनों लेज़र को देख लेते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन को भी देख लेते हैं। तो लेज़र को देखने के लिए हम डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेज़र पर हम जाते हैं। अब जैसा कि मेरे पास दो कस्टमर है, दो लेज़र मैंने यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हुए हैं, एक राजकुमार के नाम से है, एक राजकुमार सन ऑफ राम के नाम से है। तो दोस्तों, कस्टमर नाम सेम ही है लेकिन हमने गलती से दो लेज़र क्रिएट कर लिए। तो अब कुछ ट्रांजैक्शन हमने राजकुमार में भी कर रखी है और कुछ ट्रांजैक्शन हमने राजकुमार सन ऑफ राम में भी कर रखी है। तो अब हमें, अभी तक तो हम ये देखते थे भी सबसे कम ट्रांजैक्शन कौन से लेज़र में है। अब मान लीजिए जैसा कि ये लेज़र हमने ओपन किया हुआ है राजकुमार सन ऑफ राम का, जबकि हमें पता होना चाहिए भी ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास जो लेज़र है राजकुमार का वो सेम ही है। तो अब हम देख लेते हैं भी इस राजकुमार में, इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और सेकंड वाले लेज़र जो डुप्लीकेट हमने क्रिएट कर लिया इसमें ट्रांजैक्शन कम है। तो हम क्या करते थे, इसके स्टेटमेंट को ओपन करते थे, एंट्रीज को ओपन हम चेंज करते थे और यहाँ पर आके लेज़र का नाम है जो चेंज कर देते थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास नहीं एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, तीन ट्रांजैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली ट्रांसफ़र कर दोगे। मान लीजिए आपने इस ट्रांजैक्शन में 50 सेल के इनवॉइस आपने तैयार कर दिए, कुछ रिसिप्ट भी आपने तैयार कर दी, कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी इशू कर दिए, तो आपको काफ़ी हद तक टाइम लग जाएगा आपके फर्स्ट लेज़र में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों, अब आपको देखना है भी हमें कौन से लेज़र है जो हमारा प्रॉपर सही है, यानी कि हमें पता होना चाहिए भी जो हम सही तरीके से नाम, लेज़र का नाम, उसका सन ऑफ वगैरह सब कुछ डिटेल के साथ लिखते हैं तो वो हमारा लेज़र है जो एक्चुअल माना जाता है। और केवल हमने टेम्परेरी रूप से सिंगल नाम से अगर कोई लेज़र हमने क्रिएट कर लिया तो वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस के अंदर सेम नाम के कस्टमर, सेम नाम की कंपनी हो सकती है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं भी कौन सा हमारा ओरिजिनल लेज़र है, कौन से कस्टमर का लेज़र है। तो अब ये सारा डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा टाइम लग जाता था, लेकिन अब टैली सॉफ्टवेयर में एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर आ गया लेज़र रिप्लेसमेंट को लेके। तो दोस्तों, वो हमें किस तरीके से दिखेगा भी, जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट का लेज़र हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा राजकुमार का लेज़र, और राजकुमार के लेज़र को ओपन कर दिया। अब इस ये जो सारी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर कर रखी है, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक तो केवल सेल और रिसिप्ट ही कर रखी है, इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे हम लेज़र को ओपन कर लिया तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा रिप्लेस, लेज़र रिप्लेसमेंट का, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल डी के साथ हम यूज कर सकते हैं। और लेज़र रिप्लेसमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी लेज़र रिप्लेसमेंट की। तो अब उसके बाद में फर्स्ट जो लेज़र हमने ओपन कर रखा है उसका नाम हमें ऊपर दिखाई देगा भी सेलेक्ट लेज़र टू बी रिप्लेस्ड, यानी कि राजकुमार का लेज़र है और आप इसको कौन से लेज़र में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि इसकी जो सारी ट्रांजैक्शन है कौन से लेज़र में आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो दोस्तों, एक बार हम इससे पहले सारी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये जो सारा ट्रांजैक्शन है राजकुमार का, ये हम जो डुप्लीकेट लेज़र बन गया हमारा राजकुमार सन ऑफ राम के नाम से, इसमें हमें ट्रांसफ़र करनी है। और अभी तक आप देख रहे हो इस राजकुमार में केवल
ये चार सेल वाउचर की एंट्री है और इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है। अप्रूव करके हम पूरा पीरियड हटा देते हैं और ये है राजकुमार की सारी ट्रांजेक्शन। तो हम कंट्रोल डी यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो न्यू लेज़र हमें सेलेक्ट करना है वो हम करेंगे राजकुमार सन ऑफ राम का। तो ये आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट लेज़र, और जिसमें ट्रांसफ़र करना है यानी कि जिसमें रिप्लेस करना है उसका नाम हमें यहाँ पर देना है और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमें पूछेगा अल्टर वाउचर आर यू श्योर, तो हमको इसको यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसका स्टेटस का प्रोसेस कंप्लीट, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो राजकुमार की जो भी ट्रांजेक्शन थी वो सारी यहाँ से हट चुकी है और ये जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन राजकुमार सन ऑफ राम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसमें आपके चाहे वो 1000 ट्रांजेक्शन है, चाहे वो 500 ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी वन क्लिक के साथ है जो ट्रांसफर हो जाएगी। अब आप देख रहे हो राजकुमार का जो हमारा फर्स्ट लेजर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, यानी कि बिल्कुल खाली हो चुका है। सारी ट्रांजेक्शन में राजकुमार सन ऑफ राम के खाते में ट्रांसफर कर दी। तो अदरवाइज हम एक एक ट्रांजेक्शन को अगर हम ट्रांसफर करते तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाता था, लेकिन अब इसमें सिंगल क्लिक के साथ सारी ट्रांजेक्शन, सारी इन्वेंट्री, सारे वाउचर, आल वाउचर की ये कमांड है, आल वाउचर ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये टेली सॉफ्टवेयर का ये फीचर्स अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।